standard deviation, write down. Calculate standard deviation using step deviation method. You are given marks in the form of class intervals with the size of 10. Number of students, yes. Number of students. Next column. इधर कुछ प्रॉब्लम है तीनों को, रजत और मोहित और पीछे कौन, अभी अभी आपका नाम. Any problem you are facing? Mohit, you go to the last seat, it's empty. We have to make use of standard deviation method. So firstly, we'll write down the formula. The formula is summation F B dash M square good. So let's see the steps. M. We need to find out M. What is M? Take any value as an assumed mean. मेरी टेंडेंसी होती है मैं वो अज्यूम्ड मीन लूं जहां पर मेरे को फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे मुश्किल या बिगर अमाउंट की लगती है. सो आई कैन टेक 35 हियर रैंडमली. डीएम, व्हाट इज डीएम? मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन, एंड अज्यूम्ड मीन हियर इज 35. 5 माइनस 35 are you doing or just watching me doing? Still not doing. Roll number आप अपना गलत लिखते हो papers में, subject आप गलत लिखते हो papers में, और फिर आपने सिर्फ मैम को ही वॉच करना है, खुद नहीं लिखना. Do you find something common here? 10. You don't need to think. The size of class interval is your common factor. See, here is a class interval. So 10 से हम divide कर रहे थे. Divide करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? B dash M. So 10 से divide करने का मतलब 0 remove कर देना है. D dash M square. Look at the formula. We require F into D dash M and F into D dash M square. So, सबसे पहले F into D dash M, ये D dash M है, ये F है हमारा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 into minus 3, 10 into minus 2, 20 into minus 1, 13 into 1, sorry, 20,
minus 20, 0, 13 into 1, 20 into 2, 10 into 30, 4 into 40. ये माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी है, फोर्टी के साथ कट गया, ठीक है, माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन रह गया, 175, यस, नोबडी हैज कैलकुलेटेड, ओके, हाँ हाँ 16, ठीक है, 40 40 कट गया, 15 माइनस ये 1, 31, 61, ठीक है, अब क्या चाहिए, F into D dash M square, तो इसका स्क्वायर लेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे, इट विल गिव अस F स्क्वायर D dash M square. We require, this is D dash M square, this is F. 5 into 9, 10 into 4, 20 into 1, 30 into 1, 20 into 4, 10 into 9, 16 into 4, 369, ठीक है, put the values in the formula and I need answer in 1 minute, especially from the last benches. 369, sigma F, बोलिए, gives you 1.569, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15.69 पॉइंट्स का फर्क हो सकता है आंसर में, नेवर माइंड, ठीक है, ऑल राइट, सो फार वी हैव डन ऑल द मेथड्स रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी सीरीज के हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, नाउ राइट डाउन वेरिएंस, वेरिएंस, what is variance, variance is square of standard deviation, variance is square of standard deviation, so in case you are asked to calculate variance, तो आपने क्या करना है, वेरियंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, जब इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट कट जाएगा, मतलब आपको अंडर रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाइड हो गया आपके लिए, but you have to remember what is variance, it is square of standard deviation, samajh mein aa gaya, jab standard deviation ka square karte hain, standard deviation square root mein given hai, square root ka square cancel ho jata hai, theek hai, square root ka square means absolute number, wo kat jata hai uske sath,
वन बाय टू से रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी का भी स्क्वायर रूट, वन बाय टू इसका स्क्वायर ये कट जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज दिस अंडर रूट नहीं निकाल, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूलाज वही है, क्या नहीं आएगा स्क्वायर रूट नहीं है। नेक्स्ट लिखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यू नीड टू राइट इट डाउन, ऑफलाइन क्लास है ऑनलाइन नहीं है, जो मर्जी घर में बैठे करते रहो, आ जाओ अब उसमें अवतार में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इट इज द बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम सी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। व्हाट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन एनीवन? इट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन। लेट अस से हमारे दो सेक्शंस है ए एंड बी, दोनों में मैंने टेस्ट लिया, मैंने कहा ये दोनों में देखो कितनी डिस्पर्जन है, कितनी वेरिएशन है मार्क्स में, तो अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली दोनों की, इसमें आई 2.4 मार्क्स, इसमें आई 3.8 मार्क्स, तो आप ये नहीं कह सकते मैम इसके इसमें वेरिएशन ज्यादा है। दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर, इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। हो सकता है यहां पे स्टूडेंट्स 10 हो, यहां पर 40 हो, ठीक है, तो उस केस में हमें अगर हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी सीरीज में वेरिएबिलिटी ज्यादा है किसमें कम है, वी मेक यूज ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अगर हर एब्सोल्यूट मेजर का रिलेटिव मेजर होता है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में रेंज नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, मीन डेविएशन नहीं है, ये तीनों क्या है एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमारे सिलेबस में क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका जो रिलेटिव मेजर है उसको क्या कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इट इज कैलकुलेटेड एज, लिखो, इट इज कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार इनटू 100, परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा ना आंसर 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस सीरीज में सीवीआई 16%, इसमें आया 15%, तो किसमें वेरिएशन ज्यादा है ए में, एब्सोल्यूट से क्या पता चल रहा था बी में, लेकिन बी इज नॉट ए सूटेबल मेजर और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग कंपैरिजन। वो हमेशा एब्सोल्यूट जिन यूनिट्स में वेरिएबल है उसी यूनिट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, मार्क्स में गिवन है तो मार्क्स, रुपीस में गिवन है तो रुपीस, केजीज में गिवन है तो केजीज, लेकिन जो रिलेटिव मेजर है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, सो इट बिकम्स अ प्योर नंबर, प्योर नंबर इज विदाउट यूनिट्स। इज इट क्लियर? फिर मैं बता रही हूं एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट मेजर्स किसमें एक्सप्रेस होते हैं, उन यूनिट्स में जिसमें वेरिएबल एक्सप्रेस्ड है, रिलेटिव मेजर किसमें एक्सप्रेस होते हैं परसेंटेज, ठीक है। सो दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट सीवी, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज का हो, चाहे डिस्क्रीट का हो, चाहे कंटिन्यूस का हो, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी आ गई, वो निकाल लोगे, फिर एक्स बार हमें आता है, अगर आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, डायरेक्ट मेथड में एक्स बार आपने ऑलरेडी निकाला होगा एक्चुअल मीन मेथड में, है ना, अगर आपने शॉर्टकट किया है,
फिर क्या करोगे? आपने तो अज्यूम्ड मीन से लिए डेविएशंस, तो कौन से मेथड से एक्चुअल मीन निकालोगे? शॉर्टकट से। क्यों? आपके पास कॉलम्स क्या है? ये आपके पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, तो एक्स बार कैसे निकालेंगे? ए प्लस समेशन एफ डी डैश एम ओवर समेशन एफ इंटू सी। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज करना है, इतना टाइम थोड़ी है। फिर एक्चुअल मीन से निकालो, क्यों? एक्चुअल मेथड की जरूरत क्या है? आपने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, एक्स बार आ गया, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, सीवी आ जाएगा। करें क्वेश्चन सीवी से रिलेटेड? चलो स्टार्ट कर। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्स एफ कर लिया, मिड वैल्यूज फाइंड आउट करें। I am taking this as an assumed mean. Take deviations 2.5 minus 17.5. Kuch common hai. 5 se divide kar dein. जब डी डैश आ गया ना, तो डीएम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको नहीं पूछना। अब हमने स्क्वायर भी इसका लेंगे, डी डैश का, एफ इंटू डी डैश एम चाहिए होते हैं हमें। F into D dash M square total कर लो।